और धौलपुर गांव बरा में सरपंच नतीजा आने के बाद हंगामा। हारे प्रत्याशी के समर्थकों ने किया है मतगणना केंद्र पर जमकर तोड़फोड़ भी हुई है। पुलिसकर्मी की बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। हंगामे के दौरान फायरिंग भी हुई है, जमकर पथराव हुआ है। हालात पर काबू फिलहाल पा लिया गया है, शांति का माहौल इस वक्त दिख रहा है। लेकिन आपको बता दें कि फायरिंग की घटना भी इस दौरान हुई है, तो एक पुलिसकर्मी की बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। हंगामे के दौरान जमकर पथराव भी किया गया है। धौलपुर के बरा गांव की ये घटना आपको बता रही है, जहां पर सरपंच नतीजा आया, जिसके बाद हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। तो ये तस्वीरें जरा देखिए, उसी हंगामे की हैं, जमकर तोड़फोड़ हुई है। हारे गए प्रत्याशी के समर्थकों ने की है ये तोड़फोड़, जमकर लाठियां बरसाई गई हैं, पत्थरबाजी की गई है और पुलिस बाइक में आग भी लगा दी गई है। तो मतगणना के बाद हारे हुए सरपंच, हारे हुए प्रत्याशी के जो समर्थक थे, उन्होंने किस तरह से हंगामा किया है ये जरा आप देखिए। कुछ समुदाय विशेष के लोगों ने मतदान केंद्र पर पथराव किया, हमला किया, कुछ फायरिंग की भी रिपोर्ट्स हैं। जवाब में पुलिस ने भी काउंटर फायरिंग की है। आर्थिक जाप्ता वहाँ तैनात किया गया, आर्थिक जाप्ता भेजा गया। मैं और पुलिस अधीक्षक महोदय मौके पर आए। कुछ आगजनी की भी उन्होंने मोटरसाइकिल को किया है, चार पाँच मोटरसाइकिल तोड़फोड़ की है, अंदर जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया है और संगीन अपराध धाराओं में इनके खिलाफ IPC में मुकदमे दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है, गाँव में दबिश दी जा रही है। इसका पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करके और जो भी उपद्रवी थे उनको खदेड़ दिया और अभी मौके में पूरी तरह शांति है। हमने जब मतदान दल का निरीक्षण किया तो ये देखा कि एक मोटरसाइकिल है वो जली हुई है और कुछ चार पांच मोटरसाइकिल हैं वो इन्होंने पत्थरबाजी करके उनको क्षतिग्रस्त किया। और आइए इसी तरह राहुल शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ। खानू शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। कानू, देख रहे हैं हम कि काफी तोड़फोड़ हुई है, आगजनी भी हुई है, पथराव भी हुआ है, हालांकि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी ये लोग कौन थे जिन्होंने हंगामा किया है? बताया ये भी जा रहा है कि प्रत्याशी के समर्थक थे हारे हुए प्रत्याशी के, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? जी बिल्कुल बता दूं, जो धौलपुर जिले की जो थी 17 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव था, उसमें ग्राम पंचायत बरा में चुनाव था। चुनाव शाम को जो सरपंच नतीजे आने के बाद जो जीते हुए कैंडिडेट को जब पुलिस द्वारा सुरक्षा लेकर उसे घर ले जाने के जा रहे थे, तो हारे हुए प्रत्याशी जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के प्रत्याशी थे, एक ही जाति के जाति विशेष से, उन्होंने जब मतगणना हो रही थी मतगणना जो आस पास के जो गाँव के लोग थे वहां भी इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद जब हारने की सूचना मिली तो लोगों ने इस तरह से जो मतदान केंद्र था, मतदान मतगणना केंद्र था, वहां पर उन्होंने हंगामा उड़ दिया, पथराव कर दिया। जो मतदान कर्मियों की बाइकें थी वहां उनके साथ तोड़फोड़ की। तो वो करने के बाद जब पुलिस ने उनको भेजने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग की। उसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। उसके बाद वहां एक पुलिसकर्मी की बाइक को उन्होंने उपद्रवियों ने आके हवाले कर दिया। घटना की सूचना पर जैसे ही जिले के पुलिस अधिकारी मौके पर, बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी व जवान मौके पर पहुंचे, जब जाकर कहीं ना कहीं स्थिति पर काबू पाया गया। इस स्थिति को देखते हुए रात को लगातार पुलिस ने पूरे गांव में सर्च अभियान चलाया। उसके बाद रात को करीब 2 दर्जन से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की, जिससे कहीं ना कहीं मामला आगे ना बढ़े। इसको लेकर बिल्कुल मामला फिलहाल शांत है। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है कि कोई हंगामा इस दौरान इसके बाद भी ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा ये पथराव की जो तस्वीरें हैं, ये पत्थरबाजी की जो तस्वीरें हैं, ये हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों के उस हंगामे की है जिसे वो बौखलाए थे और उन्होंने ये पत्थरबाजी की। बहुत बहुत शुक्रिया खानू इस पूरी जानकारी के लिए। और